वैश्विक महामारी ने जब से दुनिया भर में दस्तक दी है तब से सब कुछ बदल गया है। लोगों के रहन सहन से लेकर जिंदगी जीने के तरीके में भी एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। महामारी से निपटने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है और इसी क्रम में अब केंद्र सरकार ने विदेशों से आने वाले भारतीयों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो क्या है सरकार की ओर से जारी किए गए नियम, इस रिपोर्ट में देखिए। घरों में बंद, मुंह पर मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना, दूरी बनाकर रखना। दुनिया भर में फैले स्वास्थ्य मुसीबत ने हमारी जिंदगियों को कुछ इस तरह बदल दिया है। ये हालात जल्द सुधरने वाले नहीं, इसलिए इन हालात को देखते हुए सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है और इन्हीं सावधानियों को तवज्जो देते हुए विदेशों में फंसे लोगों को भारत आने वालों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब किसी भी दूसरे देश से आने वाले लोगों को भारत आने से पहले इन गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। जी हां, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश वापस लौटने वाले यात्रियों को यात्रा के लिए उस देश के भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण कराना होगा जहाँ फिलहाल वो रह रहे हैं या फंसे हुए हैं। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कुछ देशों के साथ समानुपाती आधार पर सीमित वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को शुरू करने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट बबल के नाम से नई व्यवस्था शुरू की है। भारत का ये समझौता अभी केवल 7 देशों के साथ है जिसमें यूके, यूएस, जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। भारत इस लिस्ट को बढ़ाकर 13 और देश इसमें जोड़ना चाह रहा है।